प्रेस वार्ता की, कल आपका डांडिया का प्रोग्राम है, क्या इसमें ऐसा खास है जो कल आप लोग करने जा रहे हैं? कल हमारा डांडिया प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई शुल्क इस डांडिया प्रोग्राम में नहीं ले रहे हैं। ये लक्ष्मी गार्डन शनिवार कल 5 तारीख को शाम को 7 बजे से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें वहाँ खेलने वालों के लिए डांडिया के स्टिक्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और सर पे बांधने के लिए पगड़ी की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें आने जाने वालों के लिए कोई प्रकार का शुल्क हम नहीं ले रहे हैं, ये फ्री एंट्री है। इसमें सबसे मुख्य बात है कि इसमें 4 क्लब मिल के काम कर रहे हैं, जिसमें लायंस क्लब झांसी युवराज, JCI मनस्वनी, JCI रॉयल्स और राजा साहू क्लब। अभी हम लोग ये प्लग जो प्रयोग है 4 क्लबों के साथ ही सक्सेस हुआ है। अगली बार हम जो भी प्रोग्राम करेंगे उसमें हम ये चाहेंगे कि झांसी के और भी क्लब इसमें जुड़ जाएं, और जो लोगों का श्रमदान, समय और पैसा अलग अलग प्रोग्राम्स को करने में, बड़े प्रोग्राम करने में व्यस्त होता है, उसको अगर हम एक जगह एक साथ करें तो लोगों की गैदरिंग, समय का उपयोग और एक भाईचारा भी बढ़ता है। इस संदेश के साथ हम ये कल का प्रोग्राम डांडिया और गरबा प्रोग्राम हम फ्री ऑफ एंट्री के साथ कल करने जा रहे हैं। दीदी, ये कल जो प्रोग्राम हो रहा, इसमें आप लोग किस तरीके से पूरी भूमिका है आप लोग, क्या क्या कार्यक्रम होंगे कल डांडिया के साथ? डांडिया के साथ में हमारे क्लब्स की तरफ से कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, और जो शुरुआत में हम सारे लोग मिलकर कर रहे हैं क्लब के लोग एक स्टार्टअप देने के लिए, और डांडिया सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे लोग आ रहे हैं और सभी लोग मिल के अच्छी तरह से इंजॉय कर पाएंगे। मेन जो गैदरिंग है सारी उसी में आ जाएगी। सर, इस बार आप सभी लोग मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपका और JCI मानस भी नहीं है, ऐसा इस बार पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी सब लोग मिलकर कर चुके हैं ये कार्यक्रम? नहीं, हमारी नॉलेज में तो ये पहली बार शायद डांडिया जैसा आयोजन पहली बार सब लोग मिलकर, इससे पहले भी बहुत सारे आयोजन होते रहे हैं और ख़ासतौर से क्लब काफ़ी सालों से डांडिया आयोजन कर रहा है। हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है कि हम क्लबों के अलावा भी जो जनमानस है उनको भी इसका हम लाभ दे सकें, उनको भी वो लोग भी इसमें शामिल हो सकें। तो इसके पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया, इस बार एक बड़ा प्रयास है, 4 क्लब मिलके एक बड़े आयोजन करने जा रहे हैं, और उसका जो मेन मोटो है वो यही है कि जो जनमानस है ये सिर्फ क्लब ही के लोग नहीं, और लोग भी इसमें आ सकें। इसमें फ्री एंट्री है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो डांडिया सिखाने का भी था तो वो भी हम लोगों का पिछले 15 दिन से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाया है, और जो कल की एंट्री है टोटल फ्री है। एक बड़े आयोजन करने की कोशिश की गई है, आप लोगों के सहयोग से संभव हो सकता है। दीदी, आपका क्या कहना है इस डांडिया के इस प्रोग्राम के ऊपर? डांडिया एक ऐसा कार्यक्रम है जो है तो गुजरात से रिलेटेड, लेकिन उसे पूरी इंडिया मिलके मनाती है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे भारत देश में सभी स्टेट और सभी धर्म और सभी त्यौहार मिलके मनाए जाते हैं। तो आगामी समय में हमें लगता है जैसे हम लोगों ने डांडिया को अपनाया है, तो हमारे बुंदेलखंड के कल्चर को भी गुजरात या पंजाब या हरियाणा या महाराष्ट्र, वो भी हमारे कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा सोच रखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। जी भैया, ये कल का जो आयोजन हो रहा है, किस प्रकार का आयोजन हो रहा है आप लोगों का? जी देखिए, जैसे कि आपने आजकल देखा होगा झांसी में कई आयोजन डांडिया के हो रहे हैं, पर सभी जगह कुछ ना कुछ एंट्री फीस लगी गई है। तो हम ये चाहते थे कि समाज के लोग जो घरों में निकलना चाहते हैं पर कभी कभी कुछ एंट्री की वजह से भी रुक जाते हैं कि भाई हमें 200 रुपये खर्च हो जाएंगे एक मेम्बर के, तो हम लोगों ने एंट्री फ्री रख दी है। आइए, खूब अपनी फैमिली से इन्जॉय कीजिए, और जो पावन पर्व है नवरात्रि का, उसका आनंद लीजिए डांडिया के साथ, गरबा के साथ। बस हमारा यही उद्देश्य है कि झांसी से जितने ज़्यादा लोग आ सकें और इन्जॉय कर सकें और हमारे साथ हंसी खुशी ये पर्व मना सकें, ये हमारा उद्देश्य है।